हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैं आज इस वीडियो में और कुछ 10 वर्ड्स 10 वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सिखाने वाला हूँ आपको। आप अगर देखें मेरे चैनल में तो आपको इस प्रोनाउंसिएशन का एक मिलेगा प्लेलिस्ट, जिसमें आपको कई सारा वीडियोज़ मिल जाएगा। तो आप प्रोनाउंसिएशन अपना बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं मेरे साथ सीख करके कि कैसे कुछ वर्ड्स का जो हम डेली यूज़ करते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, या हम कैसे इंग्लिश बोलें, डिपेंड करता है कि हम किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर। लेकिन आपको पता है क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और वीडियोस को लाइक करें, और मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपके पास कोई वर्ड्स है जिससे आप परेशान हैं, आप प्रोनाउंस कर ही नहीं पा रहे हैं, डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको, तो आप मुझे उन वर्ड्स को ही बताएं, मैं ज़रूर आपको उन वर्ड्स के ऊपर प्रोनाउंसिएशन बना के दूंगा। तो शुरू करता हूँ मैं आज का ये वीडियो, इसमें 10 वर्ड्स सीखेंगे। और आज के वीडियो में बहुत सिंपल वर्ड्स हैं लेकिन डेली यूज वाली है, देखते हैं क्या क्या है। देखिए, आज का पहला वर्ड है PLOUGH। आप क्या इसे कहेंगे प्लॉग? नहीं, प्लॉग नहीं कह सकते इसे आप। आप इसे क्या कहेंगे? प्लाउ। बहुत सिंपल है, प्लाउ, लेकिन प्लॉग नहीं, प्लाउ। हम लोगों ने क्या किया है? PL। ऐसे तो अगर आप प्लॉग भी कहते हैं तो PL तो लेते हैं, प्ल प्ल। और OUGH का प्रोनाउंसिएशन आओ होता है, प्लाउ। OUGH क्या बन गया? ऑग नहीं बनेगा, आओ, प्लाउ। मानिए जिस तरह हिंदी में कहते हैं भाई मुझे आज प्लाउ खाना है, ठीक है, लगभग, ठीक है। सो प्लाउ, प्लाउ। प्लाउ क्या होता है? प्लाउ एक्चुअली में आप शायद आपने हल जोते हुए देखा है, वो जो हल जोता जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को भी कहते हैं प्लाउ। और साथ में जिस मशीन से किया जा रहा है उसे भी कहते हैं, उस डिवाइस को भी कहते हैं प्लाउ। अ डिवाइस पुल्ड थ्रू द ग्राउंड फॉर प्लांटिंग। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? प्लाउ। इस तरह एक और वर्ड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये BOUGH। इसे भी देखिए, OUGH, आओ। ये बी क्या हो जाएगा? ये था प्लाउ, ये हो गया बाओ। BOUGH आपने पढ़ा होगा इसे, खासकर ये यूज होता है फर्म के अंदर। सो ये हो गया क्या? बाओ। बाओ मतलब क्या होता है? बाओ मतलब होता है ब्रांच, आपको ना, ब्रांच ऑफ द ट्री, ब्रांच। बाओ, प्लाउ। सेकेंड वर्ड क्या है? GOUGH। आपको लगता होगा आज मैंने ठान लिया कि मैं सब OUGH बनाऊंगा। इससे पहले आपने देखा है मैंने प्लाउ और बाओ उसे बनाया, इसलिए इस तरह का वर्ड चूज किया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जहां भी OUGH देखेंगे उसे आओ बना देंगे, नहीं। अब याद देखिए, DOUGH है तो क्या उसे बोलेंगे? डाओ। वो था प्लाउ और वो था बाओ, तो क्या हो जाएगा? डाओ। नहीं, ये होगा डो, सिंपली। अभी OUGH क्या बन गया? ओ, डो। तो ये हो गया डो, DOUGH, डो। अ थिक मिक्सचर ऑफ फ्लावर एंड वाटर फॉर बेकिंग इनटू ब्रेड। आटा के लोई को कहते हैं डो, DOUGH, डो। अब देखिए थर्ड वर्ड, ये भी OUGH के ऊपर, क्या खेला है, मजाक हो रही है? नहीं, समझने की बात है क्या? अब देखिए फिर यहाँ भी OUGH है, तो अगर हम सेकेंड वाली वर्ड के हिसाब से देखें, उसमें हो गया था डो, तो क्या बोलेंगे? को। नहीं, अतः हम लोगों ने क्या क्या देखा वो देखिए आप, ठीक है। PLOUGH और BOUGH, और इसे इसके पहले हमने क्या देखा? DOUGH, ठीक है। सब में OUGH, OUGH लगा, और यहाँ भी OUGH लगे, आप देखिए सब में लगे। इन दोनों में ये OUGH क्या बन जाता है? आओ, प्लाओ, बाओ। इसमें ये OUGH क्या बन जा रहा? ओ। लेकिन इसमें OUGH बदल जा रहा, ऑफ। कहां से साउंड भाई? एफ का भी आ गया इसमें, ऑफ। OUGH क्या बन गया? ऑफ। सी का का, ऑफ, ऑफ। देखिए मैंने बीच में एस लगाया, हा का साउंड लाना आपको, ऑफ। ये हो गया कॉफ। अब
जैसे ही क्या लग जाएगा, साउंड थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, ये हो गया कफ कफ, ठीक है कफ। इसे हम काफ भी कहते हैं, काफ अमेरिकन एक्सेंट है काफ, लेकिन ये ब्रिटिश एक्सेंट में हमसे कहते हैं कफ। इंडियन एक्सेंट में भी हम इसे कफ कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम? कफ। इसे फास्ट ही आपको प्रोनाउंस करना होगा, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि वावल एक ही लगा है, बाकी सब साउंड देख रहे हैं आप कि एच के बाद कोई वावल नहीं है, डायरेक्टली जो है दोनों कंसोनेंट साथ में आ गया, इसलिए सो ये क्या हो गया कफ। अब ये सब देखिए, प्लाउ बाउ डो कफ, इसीलिए मैंने ये चार वर्ड लिया है ताकि आप समझे, सबके साथ अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए मैंने चार वर्ड लेना। अब इसके मीनिंग क्या, कफ पता आपको, खांसना, भाई सिंपल बात है, खांसने को बोलते हैं कफ। देखिए फोर्थ वर्ड क्या है, ए यू आर ओ आर ए, उरोरा, कैसे पढ़ेंगे उरोरा? बोरिलिस, नो, कैसे पढ़ेंगे? देखिए ए यू आ, इसको क्या बन गया आ, ऑने आ, आ आर ओ रो अरो अरो यू एच, इसलिए मैंने कहा अरो, आर ए रा नहीं रा, अरोरा अरोरा, किस तरह पढ़ेंगे? अरोरा अरोरा अरोरा, फास्ट में अरोरा, और ये जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ लेंगे उसको हम, वो री अ लेस, वो री लिस्ट नाउ, तो साथ में होगा अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया बोरियालिस, बोरियालिस, यहाँ पे देखिए डबल ई है, टालना पड़ेगा, बोरियालिस अरोरा बोरियालिस अरोरा बोरियालिस। नॉर्वे में आपको मिलेगा ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली जगह, जहाँ रात में आसमान में डिफरेंट कलर्स नजर आपको आता है, ऐसा लगता है कि सुबह हो चुकी है, दिन हो चुकी है, और ग्रीन ब्लू डिफरेंट पर्पल कलर का आपको आसमान नजर आने लगेगा रात में, मिडनाइट में लोग जाते हैं उस देखने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट है वो नॉर्वे में। क्या है ये? अरोरा बोरियालिस। फिफ्थ नंबर वर्ड क्या है? जी एन आर ई, सोचिए आप इतना सा सिंपल दिखने वाला वर्ड जी एन आर ई, जेनरी जेनर कुछ बोल सकते हैं सर, लेकिन नहीं कह सकते हम उसे, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर देखेंगे तो खतरनाक दिखने में लग रहा है। वर्ड कितना सिंपल है, प्रोनाउंसिएशन कितना खतरनाक दिखने में है। क्या पढ़ेंगे इसे हम? जी ई एन को आप जेन नहीं पढ़ सकते हैं, आप इसको, आपको पढ़ना पड़ेगा जान, जा नहीं निकलेगा साउंड, साउंड आएगा जा का, इन हा लगेगा, जान जान जान, जान भी नहीं बोल रहा हूं मैं, तो मेरी जान हो वो भी नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, जान जान हा जान, आर ई री नहीं रा, जान रा जान रा जान रा, फास्ट में देखिए जान रा, बोलना में फास्ट में ही है, तो क्या कहेंगे? जान रा जान रा, एक्चुअली में ये फ्रेंच वर्ड है, तो इस वर्ड का खास कर इस्तेमाल हम करते हैं लिटरेचर में या फिर फिल्म में, काइंड टाइप और क्लास को कहते हैं, खासकर किसमें? तो हम डिवीजन करते हैं लिटरेचर की या किसी फिल्म की या फॉर्म की, किसी भी टॉपिक का डिवीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेचर, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में अभी आप, इस तरह चिल्ड्रन स्टोरी हो गया, कोई फिक्शन हो गया, कोई नॉवल हो गया, ये सब क्या है? जॉनरा है, किसका? लिटरेचर का। क्या है ये लिखा हुआ? जॉनरा। फिर से कहिए मेरे साथ, आप सही कह रहे हैं आप, कोशिश कीजिए फिर से मेरे साथ, जॉनरा। ये वर्ड सिक्स नंबर क्या है? ई यू एन यू सी एच, आप क्या कहेंगे इसे? यूनच, पर नहीं, ई यू क्या बन गया? यू टालेंगे, यू टालेंगे, यू एन यू सी एच, नच नहीं होगा, नेक, जैसे बोलते ना नेक वाला सेम प्रोनाउंसिएशन, नेक नेक नेक, यहाँ पे थोड़ा हा लगाएंगे आप, नेक यूनेक, इसे आप यूनच नहीं कह सकते हैं या इनच भी नहीं कह सकते आप इसे, क्या कहेंगे आप? यूनेक यूनेक, क्या कहेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन? यूनेक 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 यूनेक, किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किसे कहते हैं, जिसे हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन यह भी हमारे समाज के पार्ट है, जिसे हम किन्नर कहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट कुछ लोग वर्ड यूज करते हैं, इसे हम किन्नर कहते हैं, उसे कहते हैं क्या? यूनेक।
क्या कहते हैं उसे, यूनिक। ये है सेवेंथ वर्ड, विटामिन। ये हम बोलते हैं ना उसे विटामिन, नहीं हम इसे विटामिन नहीं पढ़ेंगे। देखिए मैंने लिखा है साफ साफ, वी आई वाई, वी नहीं वाई, वी नहीं वाई, टी ए ट, ट वाइट, वाइटामिन। ये मिन ठीक है अपनी जगह पे, वाइटामिन क्या पढ़ेंगे इसे हम, विटामिन नहीं वाइटामिन, वाइटामिन क्या पढ़ेंगे इसे हम, वाइटामिन। अब पता है आपको कि वाइटामिन क्या होता है, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि वाइटामिन किसे कहते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, वाइटामिन देखिए एट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैंने एक्चुअली मुझे बताना है इसका पेनेशन, ये बहुत आसान है, आप इजली बोल सकते हैं इसको कैरिकुलम, ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा चेंजेस भी नहीं है, कैरिकुलम कुछ चेंजेस नहीं इसमें, इसमें थोड़ा समझने की चीज़ है, वी आई वी आई वी, वी आई वी आई वी, इसमें चेंज है, टी ए ई में ये हो गया टाई, क्या बोलेंगे सर, टाई, टाई जैसे आप बोलते हैं ना, ये क्या लिखा, देखिए मैंने एम आई टी एच ए आई, ये क्या लिखा है, मिठाई, 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 विटाई, सिंपल सेम, मिठाई विटाई, विटाई, करिकुलम विटाई, करिकुलम विटाई, ठीक है, फिर कहिए मैं साथ आप सब, करिकुलम विटाई, करिकुलम विटाई, जैसे होता है मिठाई उस तरह से मिठाई, समझने के लिए आसान होगी आपके, समय से बता दिया, मिठाई करिकुलम मिठाई। भाई आप जानते हैं इसे क्या होता है, रेज्यूम होता है, जिसे हम बायोडेटा भी कहते हैं, याद रहे डाटा नहीं बोलेंगे इसे, डी ए टी ए, डाटा नहीं बोलेंगे, डेटा, डेटा, डी ई आई, डेटा, बायोडेटा, नॉट डाटा, बायोडेटा, ठीक है ना। नाइन्थ वर्ड क्या है, एम ई एम ओ आर है, मेमोरी, क्या बोलेंगे सर, मेमोरी बोलेंगे, नहीं भाई वो नहीं बोलेंगे, किस तरह हम क्या कहेंगे, बहुत सिंपल हार्ड नहीं है, इससे ये ओ हट जाएगा, ओ खत्म, मतलब समझिए ओ हो गया साइलेंट, आप इसे प्रोनाउंस करेंगे मेमोरी, 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 मेमोरी नहीं मेमोरी, बहुत इजी है, टफ नहीं है, ये दो ले लीजिए और इसको ले लीजिए, ओ खाली गैप कर देना है आपको, मेमोरी की जगह आपके फाइनेंस करना है मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, सुना होगा आपने गजनी मूवी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है ना। अब मैं क्या बताऊँ इसका मीनिंग आपको, क्या मीनिंग होता है मेमोरी का, आप खुद पिक्चर देख के समझ सकते हैं। लास्ट वर्ड टेंथ वर्ड क्या है, वी ई जी ई टी ए बी एल ई, वेजिटेबल, ये कहेंगे ना, वेजिटेबल नहीं, बदलेंगे थोड़ा बहुत चेंजेस, बहुत नहीं। इसमें क्या होता है, ये लेते हैं और इस ई को हटा देते हैं, वी ई जी को लेंगे, लेकिन वी ई जी को वेज नहीं बोलेंगे, वेज नहीं बोलेंगे, इसे हम थोड़ा सा डी ए का साउंड लगा के बोलते हैं, वेज, 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 वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेज ही नहीं, ध्यान सुनिए मेरे प्रोनाउंसिएशन को, मेरे मुंह पे ध्यान रखिए, वेजिटेबल, मैं वेज में जाके रुक जा रहा हूँ, वेजिटेबल, वेजिटेबल, और आपको इसमें फोर्स भी डालना है, वेजिटेबल, ओके फिर से मैं बोलिए, फास्ट बोलिए मेरे साथ आप, वेजिटेबल, 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 ई नहीं आएगा, ठीक है, वेजिटेबल, 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 बाकी तो पता है आपको, सब्जी हम कहते हैं उसे भाई हिंदी में आराम से, वेजिटेबल को, ऐसे अगर आप इसे थोड़ा बहुत बोल भी दीजिएगा, क्या नाम है, वेजिटेबल, तो उतना समझेगा कोई नहीं, लेकिन फिर भी हमें परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है, याद रहे हमारा काम है, मेरे इस वीडियो का मतलब ही है, मकसद है कि आप परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें। नाउ उम्मीद है ये सभी वर्ड्स जो आपने सीखा है अभी, इन सभी वर्ड्स के हेल्प से आप अपने प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करें। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी तुरंत देख लें, इसमें अभी इसमें क्लिक करें, अभी इसे देखें, ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे, आप अप टू डेट होते रहें, ठीक है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ आप सबसे मैं, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।